कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई निर्णय लिए हैं और जिससे लोगों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो सके। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपायों के दौरान आम जनता को नहीं होगी कोई भी कठिनाई, ये आश्वस्त उन्होंने जरूर किया है। और क्या कुछ उन्होंने आदेश दिए हैं इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयासों के साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरी संवेदनशीलता से ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्रित न हो, जिनको सामान कुछ खरीदना है, कोई आवश्यक काम है, हॉस्पिटल जाना है या फिर सब्जी भाजी खरीदना है, राशन खरीदना है, वो सब हो, लेकिन एक जगह एकत्रित न हो। 144 का मतलब वही होता है कि आप चार से अधिक संख्या में जगह न रहें, बस वगैरह में यात्रा न करें, तो ये उसका उद्देश्य है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी एक ही पॉजिटिव मिला था, वो भी कंट्रोल में है, तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों की जागरूकता के कारण से संभव हुआ है। थोड़े दिन 31 तारीख तक के और सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूँ और अपील भी करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए हैं। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 31 मार्च तक लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल एवं मई माह का चावल एक मुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आवंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के चावल के साथ नमक और शक्कर का भी एक मुश्त वितरण माह अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में मध्याह्न भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा। प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चों को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के हिसाब से 750 ग्राम टेक होम राशन का अनिवार्य रूप से वितरण के निर्देश दिए हैं। शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी टू ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय सीमा में 1 माह की वृद्धि की गई है। राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी 1 अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो 1 अप्रैल से लागू होती हैं, उसे 1 माह बढ़ाकर अब 1 मई कर दिया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए 2 डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया है। राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों एवं कर्मचारियों की छटनी नहीं किए जाने और कोरोना वायरस से पीड़ित होने,
या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनसे घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निम्न दाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। अगली खबर जो है कि